ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू माय आईज। आप देख रहे हैं कि मेरी आंखों में कुछ है, समथिंग इज डिस्टर्बिंग माय आईज। और हमारी आंखें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे कि आंख से रिलेटेड वर्ड्स हमें कितने मिलते हैं। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि मेरी आंखें बोथ द आईज वर ब्लाइंडेड, दोनों ही आंखें ऐसा लग रहा ब्लाइंडेड हो गई हैं, अंधी हो गई हैं। तो आंख से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपके पास हैं, तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड विथ अस, हम लोगों के साथ आप बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर आपके सामने आने जा रहा है। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आर इंस्टीट्यूट, एज यू नो MKC। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट MKC दैट इज पॉपुलर, दैट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है ना, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरिन कंट्रीज। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे, जैसे आपने देखा कि अभी मैं आइज का मैंने मेंशन किया है, तो आइज हमारे आँख के लिए कितना ज़्यादा, हमारे लाइफ के लिए इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से आइज का इम्पोर्टेंस आपके कॉम्पिटिशन के लिए भी है। आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आइज पर हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने क्या बन गया, आइज है ना, आप दिखाई पड़ रहा IETM। तो आज हम लोग बात करेंगे IETM पर, आज हम लोग बात करेंगे कि IETM जो होता है ना हमारा, वो हमारे लिए एग्जामिनेशन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया लीजिए। यहाँ पर ये पहला वर्ड है और ये आपका दूसरा वर्ड है और ये आपका तीसरा वर्ड है। तो आँख से रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं। आई वॉश, तो पहला वर्ड हमारा क्या है, आई वॉश, और दूसरा वर्ड हमारा क्या है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, और तीसरा वर्ड हमारा क्या, ब्लू आइड बॉय, और चौथा यहां पर देखिए आपका यहां पर है, ठीक है, आर्गस आइट। तो आप लोग को आइडिया मिला इसका मतलब क्या है, तो डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिए इसको याद करना बड़ा आसान है, दैट्स नॉट वेरी टफ, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं आई से रिलेटेड है, आपको आइडिया मिल रहा होगा। देखिए आई वॉश, आई का मतलब आंख, वॉश का मतलब धुलना। मान लिया जाए आपने अपनी आंख को धुल लिया और किसी के सामने आप चले गए और आपने अपने फेस को वॉश नहीं किया, मतलब वाइप नहीं किया, पोंछा नहीं है, ड्राई नहीं किया, तो आदमी को लगेगा कि आप रो रहे हैं ना, ऐसे लगेगा कि ये आपका चेहरा गीला रहेगा, ऐसा लग रहा है कि नाउ यू वर वीपिंग, आप क्या कर रहे थे, रो रहे थे। तो उसी तरीके से एक आइडिया मिल गया आई वॉश। तो आई वॉश का मतलब एक तरीके से छल कपट, मतलब आंख का आंसू, मतलब एक तरीके से क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब झूठा बहाना, ठीक है। तो आई वॉश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग आइडिया लीजिए, आई वॉश है। आई वॉश का मतलब इनकरेक्ट, कोई चीज गलत है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं डिसेप्शन, धोखा। तो एक तरीके से हम आई वॉश को क्या कह सकते हैं, धोखा ना, ठीक है। अगर आपके एग्जामिनेशन में मान लिया जाए, देखिए आपके एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन देगा, अगर आपने आई वॉश को पकड़ लिया ना कि आंख और वॉश मतलब धुलना, तो एक तरीके से आप प्रीटेंड कर रहे हैं, एक बहाना कर रहे हैं कि आप रो रहे थे लेकिन रियलिटी कुछ और है, तो एक तरीके का हम कह सकते हैं डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब धोखा। अगर आप इसका यूज करना चाहें तो यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा इट इज नॉट आई वॉश, मैं किसी को कह रहा हूं इट इज नॉट आई वॉश, मतलब ये आई वॉश नहीं है, ये कोई छल कपट या धोखा नहीं है, इट इज रियलिटी, ये क्या है, वास्तविकता है। देखिए आपने सेंटेंस भी बना लिया, और सेंटेंस जो होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए ना, आप कोई भी वर्ड को अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं, उसको हमेशा के लिए अपने मेमोरी में रखना चाहते हैं, तो ट्राई टू यूज, आप उसका यूज करते रहे। तो आई वॉश देखिए आपका आ गया, दूसरा वर्ड क्या है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, अच्छा ब्लिंक करने का मतलब पलक, जैसे आपकी क्या होती है, ब्लिंक होती है, आप पलक गिराते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपके सामने रोशनी आ गई तो आप देख नहीं पाते, आपकी आंख ब्लिंक हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि आपकी आंख बंद हो रही ना, तो आइडिया लीजिए इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब एक आंख के ब्लिंक करते ही, एक आंख के ब्लिंक करते ही, मतलब बहुत तेजी से, वेरी सून, मतलब इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं पलक झपकते ही, आप लोगों ने सुना होगा वेरी सून, आई मीन टू से इंस्टेंटेनियसली, बहुत जल्दी से,
पलक झपकते ही। और इसी तरीके से एक सिमिलर वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में और मिलता है, मैं उसको भी लिख दूं, आई वॉश का मतलब बहुत जल्दी से। एक वर्ड और आपका मिलता है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये भी आता है, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका मतलब समझ गए ना, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब पलक झपकती। वैसे ट्विंकल मतलब चमकना होता है, मतलब इन द ट्विंकलिंग चमकती ही ऑफ एन आई, आपकी एक आंख, दोनों आंख नहीं, एक आंख के चमकती मतलब बहुत तेजी से। वैसे ये ज्यादा आपको क्लियर कर रहा होगा, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकती, ठीक है, आपकी बस पलक गिरी और कुछ एक्शन उधर हो गया। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका भी सेंस वही है, पलक झपकती। अब इसका यूज कर लीजिए, यूज कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, हमने कहा द पिक पॉकेट, पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है, पिक पॉकेट बताइए, पिक पॉकेट का मतलब जेबकतरा ना, द पिक पॉकेट डिसअपीयर्ड, पिक पॉकेट जो है वो डिसअपीयर्ड हो गया, डिसअपीयर्ड का मतलब गायब हो गया। और कैसे गायब हो गया, इन द, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, इन द ब्लिंक, यहां पर लिख दे रहा हूं, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, राइट, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब पलक झपकते ही जो पिक पॉकेट था, पिक पॉकेट का मतलब जेबकतरा, ठीक है, डिसअपीयर्ड गायब हो गया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब जैसे आपने ब्लिंक किया वैसे ही वो गायब हो गया, मतलब बहुत तेजी से वो गायब हो गया, पलक झपकते ही वो गायब हो गया। तो यहां पर आपका दूसरा वर्ड भी क्लियर हो गया। चलिए तीसरे वर्ड में देखिए, ब्लू आइड बॉय, बताइए किसी की आंख ब्लू है, किसी की आंख नीली है। अगर मान लिया जाए, सपोज करें कि आपके क्लास में कोई ऐसा लड़का है जिसकी ब्लू आइड है, ब्लू आइड का मतलब नीली आंखें, तो इसका मतलब वो एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब सभी का वो आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, मतलब वो फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है, फेवरेट, मतलब आप क्या हो गए, किसी के लिए फेवरेट हो गए। और रियल में, ट्रस्ट में, अगर मान लिया जाए क्लास में अगर आपने कभी ब्लू आइड बॉय देखा होगा, गर्ल भी देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत ही फेवरेट होता है। अब जब एग्जामिनेशन में आएगा तो वैसे बॉय ही लगा होता है, अक्सर आप देखेंगे बॉय लगा होता है, लेकिन आप चाहें तो गर्ल भी यूज कर सकते हैं, किसी और का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, ब्लू आइड नीली आंख वाला। अच्छा, यूज कैसे करेंगे, अब हम इसका यूज कर सकते हैं, यू आर माई, और उसके बाद मैंने लिख दिया यू आर माई ब्लू, और उसके बाद लिखा आइट बॉय, आप मेरे क्या हैं, ब्लू आइट बॉय हैं, मतलब आप मेरे फेवरेट हैं, यू आर माई फेवरेट, आप लोग मेरे क्या हैं, ब्लू आइट बॉय हैं। इज इट क्लियर, बिल्कुल आसान है लर्न करना, ब्लू आइट बॉय, ठीक है, किसी की आंखें नीली हैं तो इसका मतलब वो फेवरेट है। अब चलिए, अब लास्ट वर्ड है हमारा आर्गस आइट, यहां पर देखिए आर्गस, देखिए मैं इसकी स्टोरी बताता हूं, आर्गस जो है वो एक मॉन्स्टर का नाम है, मॉन्स्टर का मतलब एक राक्षस, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में, मतलब ग्रीक की कहानियों में आर्गस जो है वो एक मॉन्स्टर को कहा गया है, आप लिखते चलिएगा, मॉन्स्टर का मतलब राक्षस, और इस राक्षस की कितनी आंखें हैं, 100 आईज, मतलब 100 आंखें, ठीक है, तो इसका मतलब इस राक्षस की जब 100 आंखें हैं तो इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर मान लिया जाए कोई आपके लिए आर्गस आइड है, मतलब बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, बहुत ही सतर्क है, आप उससे बच नहीं सकते, और इंसान की दो आंखें होती है तो दो आंखें से नहीं बच पाते हैं, और इस मॉन्स्टर की कितनी आंखें थी, 100 आईज, 100 आंखें थी, तो उससे बचना इंपॉसिबल था। तो आर्गस आइड का मतलब हम लिख सकते हैं बहुत ही ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब बहुत ही सतर्क, ऑब्जर्वेंट, ठीक है, तो ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सतर्क, या आप बोल सकते अलर्ट, राइट, है ना, बहुत ही सचेत, राइट, तो उसी को बोलते हैं आर्गस आइट। और आर्गस वर्ड याद रखिएगा, कहीं पर भी आएगा ये कैपिटल में लिखा रहेगा, बिकॉज क्योंकि ये आपका एक नाम है, और किसका नाम है, मॉन्स्टर का नाम है, राक्षस का नाम है, ठीक है। तो आर्गस आइट का यूज कैसे करेंगे, आप बोल सकते हैं माई फादर, मेरे पिता क्या है, इज है, क्या है, आर्गस आइट, मतलब मेरे पिता जो हैं वो आर्गस आइड हैं, मतलब बहुत ही सतर्क हैं, एंड, ठीक है, आई कैन नॉट एस्केप हिम, मैं उनसे बच नहीं सकता, आई कैन नॉट एस्केप हिम, मैं उनसे
बच नहीं सकता। इसी तरीके से मैं भी अपने क्लास में क्या रहता हूं, आई एम ऑल्सो ऑर्गसाइड, मैं भी अपने क्लास में ऑर्गसाइड रहता हूं, एंड नो स्टूडेंट कैन एस्केप मी, और कोई स्टूडेंट मुझसे बच नहीं सकता। कहने का मतलब लापरवाही नहीं कर सकता है। तो ऑर्गसाइड का मतलब बहुत ही आप सतर्क रहेंगे। और याद रखिएगा, ऑर्गस कहीं पर भी आएगा तो इट विल ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर, यह हमेशा किसमें लिखा रहेगा, कैपिटल लेटर में। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने कितने वर्ड डिस्कस किए, 4 वर्ड्स। फिर आपके सामने अगली स्लाइड आ रही है, आप लोग उसको पहचानिएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर, चलिए आप लोग आइडिया लीजिए, यहां पर बताइए इसका मतलब क्या है। इन द आई ऑफ समथिंग, एन आई फॉर एन आई, इसी तरीके से लिखा है एप्पल ऑफ वंस आई, फिर उसी तरीके से लिखा ईगल आई। तो आप लोग आइडिया लीजिए, बड़ा आसान है इसको याद करना। देखिए यहां पर पहला वर्ड देखिए, द आई ऑफ समथिंग, समथिंग आंख किसी चीज का, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप आंख हैं, समथिंग किसी चीज का। समथिंग की जगह आप इंसान भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं समथिंग। यहां पर जब आप यूज करेंगे तो समथिंग की जगह कोई वस्तु होगा, या तो आप बोल सकते हैं समवन भी बोल सकते हैं। तो किसी चीज की आंख होना, तो आइडिया आप लोग लीजिए। इसी तरीके से लिखा हुआ है एन आई फॉर एन आई, एक आंख के लिए दूसरी आंख, एक आंख के लिए एक आंख। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एप्पल ऑफ वन आई, किसी की आंख का एप्पल होना, एप्पल तो खाते होंगे सेब। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ईगल आए, और ईगल मतलब बाज को बोलते हैं, उसकी भी आंखें बड़ी अलर्ट रहती हैं, ऑर्गस आई की तरह ईगल आए। तो चलिए आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। तो पहला वर्ड हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर पहला वर्ड आपका क्या है, द आई ऑफ समथिंग, किसी चीज का आंख होना। तो इसका कहने का मतलब वो एक फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट मतलब एक मेन बिंदु है, सेंटर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां पर हम उसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो एक तरीके का आकर्षण का केंद्र है ना, वो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, या इसी को बोल सकते हैं फोकल पॉइंट, मेन बिंदु है, या इसी को हम बोल सकते हैं फोकल पॉइंट, वो किसी चीज का क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट हो जाएगा। अब आप लोग इमेजिन करें इसका यूज कैसे करेंगे। अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, आकर्षण का केंद्र या मुख्य बिंदु, ठीक है? आप यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने कहा माई, ठीक है, और उसके बाद लिखा है द आई ऑफ समथिंग, ठीक है, माई, और उसके बाद लिखा है मान लिया जाए पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आर द आई, माई पेरेंट्स आर द आई, मतलब मेरे पेरेंट्स जो है वो आई है, आंख है, और किसकी आंख है, ऑफ, और उसके बाद लिखा है माई लाइफ। मैंने क्या लिखा, माई पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स है आर द आई ऑफ माई लाइफ, मेरे आंख के क्या हैं, मेरे लाइफ के क्या है, आई हैं। तो इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है, एक केंद्र हैं, जिनके चारों तरफ मेरी लाइफ क्या होती, रोटेट होती है। तो कहने का मतलब वही मेरे लिए फोकल पॉइंट बन गए, मुख्य बिंदु बन गए, और मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, टू टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल करना। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए मैंने कहा इंग्लिश इज द आई ऑफ माई लाइफ, इंग्लिश मेरे लाइफ की क्या है, आई है, मतलब आंख है, मतलब इसके बिना मैं क्या हो जाऊंगा, ब्लाइंड हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। और किसी चीज से अगर आप आईज निकाल लेंगे तो इंसान ब्लाइंड ही तो हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहां पर क्या लिखा, माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता आर द आई ऑफ माय लाइफ, मेरे आंख की लाइफ, मतलब मेरे लाइफ की आंख है। तो इसका मतलब विदाउट माय पेरेंट्स आई एम ब्लाइंड, अपने पेरेंट्स के बिना मैं क्या रहूंगा, ब्लाइंड रहूंगा, आई कांट सी, मैं कोई चीज देख नहीं सकता हूं। तो वही मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बन गए हैं। इसी तरीके से आपके लाइफ के लिए भी क्या होनी चाहिए, योर टारगेट शुड बी द लाइफ, शुड बी द आई ऑफ योर लाइफ, आपका टारगेट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, शुड बी द आई ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ का क्या होना चाहिए, वो आंख होनी चाहिए। अगर आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, द आई ऑफ समथिंग, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ले सकते हैं, फोकल पॉइंट भी ले सकते हैं, मतलब एक केंद्र बिंदु बन जाएगा। फिर उसी तरीके से आपने दूसरा वर्ड देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन आई फॉर एन आई, एक आंख के लिए एक आंख। पहले जमाने में होता क्या था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था, तो मान लिया जाए किसी ने एक आंख किसी की डैमेज कर दी तो उसने उसके दूसरी आंख को डैमेज कर दिया। तो इसका मतलब एक तरीके का रिवेंज, बदला,
ठीक है, एन आई फॉर एन आई, मतलब एक आंख के लिए एक आंख, तो दैट इज कॉल्ड रिवेंज, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बदला। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवेंज, बदला। अब इसका यूज आप कैसे करेंगे, ट्राई टू यूज इट। आई डोंट बिलीव इन एन आई फॉर एन आई जस्टिस, मैं एक आंख के लिए एक आंख वाले जस्टिस में विश्वास नहीं करता हूं, मतलब न्याय में विश्वास नहीं करता, बदले की मतलब नीति में मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो अगर आपने लिख लिया रिवेंज, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए रिवेंज, और रिवेंज का मतलब बदला होता है। आप इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, चलिए इसका यूज देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब जैसे यहां पर किसी ने कहा आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूं, और किस में विश्वास नहीं करता हूं, इन एन आई फॉर एन आई पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब नीति ना, तो मैं एक आंख के लिए एक वाली नीति में मैं विश्वास नहीं करता हूं। कहने का मतलब मैं रिवेंज में, बदला में विश्वास नहीं करता हूं। कहने का मतलब कोई मेरी आंख एक आंख ब्लाइंड कर देगा तो मैं उसकी दूसरी आंख ब्लाइंड कर दूंगा, तो दैट इज वाइल्ड रिवेंज, जो एक जंगली न्याय है ना, तो इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन आदमी अपने आप को कंट्रोल कहां कर पाता है ना। तो चलिए एन आई फॉर एन आई, आप इसको नोट कर लीजिएगा, रिवेंज, बदला। फिर उसी तरीके से है एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आंख का एप्पल होना, एप्पल का मतलब सेब होना, तो लड़के अक्सर पूछते हैं इसका मतलब आंख का तारा होना, लेकिन यहां पर सेब क्यों रखा गया है, तो तारे से आंख को विटामिन नहीं मिलेगा, जो आपका विटामिन, जो आपको विटामिन जिसको बोलते हैं, वो तारे से नहीं मिलेगा, वो किससे मिलेगा, एप्पल खाने से। अगर आप एप्पल खाते रहेंगे ना, तो आपकी रोशनी क्या रहेगी, बनी रहेगी, तो वही क्या हो जाएगा आपके लिए, आंख का तारा बन जाएगा, मतलब बहुत ही नियर एंड डियर, बहुत ही नजदीक हो जाएगा। इसी वजह से एप्पल लिया जाता है, स्टार नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ लिख लीजिए आंख का तारा, और इसी को हम बोलते हैं बहुत ही डियर, बहुत ही डियर एंड नियर होना, कोई आदमी बहुत ही आपके लिए प्यारा है, बहुत ही नजदीक है, तो वो आपके लिए क्या है, आंख का तारा है। आप कैसे यूज करेंगे, और जब यूज करिएगा तो ये वंस हटा दीजिएगा, जिसके आप आंख के तारे होंगे वही इंसान इस पर आ जाएगा। मान लिया जब फादर आ गया, मदर आ गया, ब्रदर आ गया, या और कोई आ सकता है, जैसे आप कैसे बोलना चाहेंगे, ट्राई टू यूज कैसे बोलना चाहेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी माँ की आंख का क्या हूं, एप्पल हूं, मतलब उसके लिए मैं विटामिन हूं, मतलब उसकी आंख के लिए मैं रोशनी हूं, ठीक है, उसकी आंख की रोशनी को मैं मेंटेन किए रहता हूं, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा नियर एंड डियर हूं ना। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया आई एम, और उसके बाद मैंने लिखा द एप्पल, आई एम द एप्पल ऑफ, और उसके बाद लिखा आई एम द एप्पल ऑफ माई, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मदर्स, और उसके बाद क्या लिखा आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई एम द एप्पल, मैं एप्पल हूं ऑफ माई मदर्स आई, अपनी माँ की आंख का मैं एप्पल हूं, राइट। या कोई भी नाम ले सकते हैं, जब आप यूज करेंगे ना तो वंस को आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। अब जिसके भी आंख के आप एप्पल होंगे वही इंसान इस पर आ जाएगा, ठीक है। मान लिया जब फादर है तो आप फादर भी बोल सकते हैं, आई एम द एप्पल ऑफ माई फादर्स आई, या पेरेंट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स में एस ऑलरेडी लगा है, तो फिर केवल आप अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे ऐसे, जैसे मान लिया जाए आप ऐसे बोलेंगे आई एम द एप्पल, राइट, आई एम द एप्पल ऑफ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स, आई एम द एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स, और उसके बाद क्या लिख देंगे आई, ये चूंकि इसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो यू हैव टू यूज ओनली अपोस्ट्रॉफी, केवल आपको अपोस्ट्रॉफी लेना पड़ेगा, या आप अपने अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, आप जिसके आंख के तारे होंगे बोल देना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एप्पल वाला कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि एप्पल आदमी क्यों बोलता है, एप्पल से आइडिया मिल गया ना, बिकॉज एप्पल गिव्स विटामिन, क्योंकि एप्पल जो है हमारे आंखों को क्या देता है, विटामिन देता है ना, ताकि हमारी आंखों की रोशनी जो है वो मेंटेन रहे। चलिए अगला वर्ड लेते, ईगल आए, ईगल आई भी आपको आइडिया मिल गया होगा, ईगल बाज होता है, आई आंख, तो इसका मतलब वो भी बड़ा अलर्ट रहता है, इसका मतलब बड़ा ऑब्जर्वेंट है, बड़ा सतर्क है, बड़ा अलर्ट है ना, चारों तरफ देखता रहता है, तो ईगल आई भी बोल सकते हैं आप लोग। कैसे बोलेंगे, जैसे आर्गस आई बोला था उसी तरीके से आप ईगल आई बोल सकते हैं, तो ईगल आई का मतलब क्या होता है, अलर्ट, बहुत ही सतर्क, या आप बोल सकते वॉचफुल, वॉचफुल का भी मतलब बहुत ही सतर्क होता है। कैसे आप यूज करेंगे ईगल आय, ईगल आय, जैसे आप बोल सकते हैं यू आर ईगल आय,
जैसे मान लीजिए माय टीचर इज ईगल आई, राइट है ना, मेरा टीचर जो है वो ईगल आई है, ईगल आई का मतलब बहुत ही अलर्ट है ना, उसकी आंखें क्या है एकदम ईगल की तरह है। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं माय टीचर और उसके बाद हमने लिख दिया इज और उसके बाद लिख दिया ईगल आई, राइट, मेरा टीचर जो है वो क्या है ईगल आई है। सेंटेंस बड़ा छोटा छोटा है, आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, माय टीचर इज ईगल आई, मेरा टीचर जो है वो ईगल आई है, मतलब उससे कोई बच नहीं सकता है। क्लियर हो गया, देखिए चार वर्ड्स हमारे क्लियर हो गए, द आई ऑफ समथिंग, एन आई फॉर एन आई, एप्पल ऑफ वन आई, ईगल आई। और इसको याद करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, दैट्स वेरी इजी, ये तो बच्चों का खेल है ना, आंख से आपको रिलेट करना है, ठीक है, आंख का इंपॉर्टेंस कितना है। अब अगला वर्ड हम लोग लेते हैं, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वर्ड, देखिए आपके सामने आ गया, पुराना ही रिपीट हो गया, चलिए हाँ नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, सी आई टू आई, हैव वन आई ऑन, और एक मिस हो गया, हाँ ये वाला, बुल्स आई, टर्न अ ब्लाइंड आई टू, कैश समबडीज आई, और उसी तरीके से क्राई वंस आईज आउट, आप लोग आइडिया लिखिए, बुल्स आई, कैश समबडीज आई, और इसी तरीके से टर्न अ ब्लाइंड आई टू, इसी तरीके से क्राई वंस आईज आउट। चलिए आइडिया लीजिए, सबसे पहले देखना बुल्स आई, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम क्या था, सांड की आंख, आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली। तो उस सांड की आंख में क्या दिखाया गया था, टारगेट ना, टारगेट, जैसे एक टारगेट बना दिया जाता है उसको हिट करना, ठीक है। तो बुल्स आई का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे मान लिया जाए आदमी जब निशाना लगाता है तो बुल्स आई बीच में बना होता है, उसी को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, तो उसी से ये वर्ड बन गया बुल्स आई। और मूवी का भी नाम क्या है, सांड की आंख, उसमें भी इस टारगेट को दिखाया गया है, तो बुल्स आई का मतलब आप क्या समझते हैं, टारगेट, राइट, टारगेट, इज इट क्लियर। अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं, जैसे मान ली एयरफोर्स इज बुल्स आई फॉर मी, एयरफोर्स जो है वो मेरे लिए क्या, बुल्स आई है, मतलब उसी को मुझे हिट करना है ना, उसी को मुझे टारगेट बनाना है, तो आप बोल सकते हैं एयरफोर्स, ठीक है, या मान लिया जाए किसी का एनडीए है तो वो भी बोल सकता है एयरफोर्स इज, और उसके बाद लिखा बुल्स आई फॉर मी, एयरफोर्स जो है वो मेरे लिए क्या है, बुल्स आई है ना, फॉर मी, तो एयरफोर्स आपके लिए क्या, बुल्स आई। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एनडीए का है तो बोल सकता है एनडीए इज बुल्स आई फॉर मी, ठीक है, एनडीए मेरे लिए बुल्स आई है। अब कोई बोल रहा है कि नाउ यू शुड हिट द बुल्स आई, आपको बुल्स आई को हिट करना है, तो इसका मतलब वही टारगेट है, ठीक है, वही आपका सेंटर है, ठीक है, उसी को आप हिट करेंगे तभी आप जीत पाएंगे, तो बुल्स आई का मतलब टारगेट हो गया, ये तो बड़ा आसान है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट वर्ड है कैच समबडीज आई, किसी की आंख को पकड़ लेना, किसी की आंख को पकड़ना मतलब उसकी अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेना, जैसे मान लिया जब आप जा रहे हैं मैंने उसकी आंख को पकड़ा तो उसका मतलब मैंने उसकी अटेंशन को अपनी तरफ डायरेक्ट मतलब डाइवर्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे टर्न अ ब्लाइंड है, पहले हम लोग टर्न अ ब्लाइंड आई ले लेते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न घुमाना, अ ब्लाइंड एक अंधी, आई मीन्स आंख, और इसके साथ याद रखिएगा प्रीपोजिशन हमेशा टू चलेगा, आप प्रीपोजिशन कभी हटा नहीं सकते हैं, तो एक आंख को ब्लाइंड कर लेना, एक आंख से देखते रहना, इसका मतलब क्या हुआ, देखकर भी अनदेखा कर देना। जैसे मान लिया जाए कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, मान लिया जाए कोई आपका, मान लिया जाए कोई बहुत ज्यादा आपका क्लोज है वो स्मोकिंग कर रहा है, अब आप टोकना नहीं चाह रहे, एक आंख से आपने देखा एक आंख से आपने इग्नोर कर दिया, कहने का मतलब आप देखकर उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई। इसी वजह से आ लिखा हुआ, एक आंख को ब्लाइंड करना है और एक आंख से देखते रहना है, तो इसका मतलब जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर कर देना ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इग्नोर कर देना, ठीक है, अनदेखा कर देना, आई जी एन ओ आर ई, स्पेलिंग लिखिएगा सही, आई जी एन ओ आर ई, इग्नोर, राइट, आई जी एन ओ आर ई, इग्नोर, सही से मैं लिख दे रहा हूं, इग्नोर। अब इसका यूज कैसे करेंगे, टर्न की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टर्न, और जब यूज करेंगे टू को कभी मत हटाइएगा, यही मेन चीज है। अब जैसे मान लिया जाए हमने लिखा आई नेवर, ठीक है, आई नेवर, और उसके बाद लिखा टर्न, आई नेवर टर्न अ ब्लाइंड आई, आई नेवर टर्न अ ब्लाइंड आई, और उसके बाद लिखा टू करप्शन, मतलब मैं करप्शन के प्रति कभी ब्लाइंड आई टर्न नहीं करता हूं, मतलब उसको इग्नोर नहीं करता हूं, उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू स्टॉप इट, मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूं, उसको मैं इग्नोर नहीं करता हूं, देखकर
उस चीज को इग्नोर करना दैट इज अ क्राइम, दैट इज अ बिग क्राइम. तो मैंने क्या लिखा, आई नेवर टर्न अ ब्लाइंड आई, मैं कभी ब्लाइंड आई नहीं करता हूं किसके प्रति, टू करप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति. मतलब भ्रष्टाचार को मैं देखकर अनदेखा नहीं करता हूं, इग्नोर नहीं करता हूं, कहने का मतलब मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, अब जैसे आप बोल सकते हैं माय पेरेंट्स नेवर टर्न अ ब्लाइंड आई टू माय फॉल्ट्स, मेरे पेरेंट्स जो है मेरे फॉल्ट्स के प्रति कभी ब्लाइंड आई नहीं करते, मतलब उस चीज को इग्नोर नहीं करते, मतलब उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं. ठीक है, वैसे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन टू की वजह से. कई बार ये कॉमन एरर में भी आ चुका है, जब भी आया है यहां से प्रीपोजिशन टू गायब था, इसकी जगह और कुछ लगा था. चलिए आपको अब दोबारा, आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, टू को कभी मिस मत करिएगा ना. चलिए अब अगला वर्ड हम लोग ले रहे हैं, इसको पहले हटा दिया जाए, टर्न अ ब्लाइंड आई. क्राई वंस आईज आउट, देखिए यहां पर क्या लिखा, क्राई, क्राई का मतलब ही होता है रोना धोना. वंस अपने आईज, आंखों को, आउट मींस बाहर. वैसे आईज में अपोस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए. चलिए वो गलती हो गई होगी, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं. ठीक है, यहां पर ये लिख दे रहा हूं, क्राई वंस आईज आउट, मतलब अपनी आंखों को क्राई आउट कर देना, मतलब रो रो कर बहा देना. तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रोना, और फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक रोना. तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू क्राई, ठीक है, टू क्राई, और उसके बाद लिखा टू मच, बहुत ज्यादा आप जब रोते हैं तो आप रो रो कर अपनी आंखों को क्या कर देते, बाहर निकाल देते. देखिए यही मतलब है ना, cry once eyes, once means अपने eyes, आंखों को out, बाहर, मतलब रो रो कर बाहर निकाल दो, मतलब इतना ज्यादा रो डालो कि आंखों क्या हो जाए, swell हो जाए, सूज जाए, फूल जाए, तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा ये रोया है. कब सिचुएशन ऐसी आएगी, क्राई की सेकेंड फॉर्म क्या होती, cried होता है. अब आप यूज कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने लिखा आई cry, कि सेकेंड फॉर्म क्या होगा, क्राइड, और आई के अकॉर्डिंग अपने के लिए क्या होगा, माय. तो ये वंस आपका हट जाएगा, सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा आपका यहां पर वर्ड होना चाहिए. आई है तो इसके लिए माय, ही है तो हिज, शी है तो हर, वंस को हटाने के लिए. आई क्राइड माय आईज आउट, आई क्राइड माय आईज आउट व्हेन आई, ठीक है, कुड नॉट गेट सक्सेस. ये आपका आ गया. अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आई क्राइड माई आईज आउट वेन आई कुड नॉट गेट सक्सेस, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोया, इतना ज्यादा रोया कि मैंने अपनी आंखों को बाहर कर दिया. वेन आई कुड नॉट गेट सक्सेस, जब मुझे सफलता नहीं मिल सकी. या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई क्राइड माई आईज आउट ओवर माई फेलियर, मैं अपनी असफलता पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा रोया. कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. अब इसी तरीके से यहां पर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, कैच समबडीज आईज, किसी की आंख को पकड़ना, मतलब उसके अटेंशन, मतलब अटेंशन पकड़ना, मतलब उसका ध्यान खींचना. आप हिंदी में लिखिए ध्यान खींचना, तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते कैच अटेंशन, किसी के ध्यान को खींचना. ठीक है, और यहां पर जो somebody's है ये हट जाएगा, जिसका आप ध्यान, जिसकी आंख को आप पकड़ेंगे वही वर्ड आ जाएगा. अब जैसे आप बोल सकते हैं, when I was crossing the road, I caught my friend's eye, जब मैं रोड को पार कर रहा था तो मैंने अपने दोस्त की आंख को पकड़ा, मतलब उसके ध्यान को, मतलब उसको मैंने देखा. एक तरीके से आइडिया आप ले सकते हैं, कैच पकड़ना, somebody's eye, किसी की आंख को पकड़ने का मतलब कि उसकी तरफ आप देख रहे हैं, उसके ध्यान को अपनी तरफ आ रहे हैं. अक्सर आपके साथ होता होगा, आप पता चला बिजी रोड पर चले जा रहे हैं, किसी की आंख से आंख मिल गई, आपने उसको भी देख लिया ना, तो उसका ध्यान आपकी तरफ आ गया. क्लियर है, तो हम बोल सकते कैच अटेंशन, किसी के ध्यान को पकड़ना. ठीक है, एक तरीके से देख लेना, देख लेना भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, किसी को देख लेना भी. तो यहां पर आप बोल सकते आई कैच की सेकेंड फॉर्म क्या होगा, कॉट, I caught. और उसी तरीके से आप बोल सकते हैं somebody's पर कोई ना कोई आपको लेना पड़ेगा. I caught Mohan's eye. चलिए मोहन ले रहे हैं. I caught Mohan's eye. ठीक है, और कहां पर मैंने मोहन्स की आई को पकड़ा. ठीक है, चलिए बताइए, When I was crossing the street, जब मैं रोड को क्या कर रहा था, पार कर रहा था. When I was crossing. When I was crossing the street, जब मैं रोड को पार कर रहा था. चलिए लास्ट में है स्ट्रीट,
STREET स्ट्रीट, या इधर भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई कॉट मोहन साहब व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, राइट, है ना। मैंने मोहन की आंख को पकड़ा जब मैं रोड को पार कर रहा था। आंख को पकड़ने का मतलब उसको देखा, उसके ध्यान को अपनी तरफ डाइवर्ट किया, ठीक है। तो उसका सेंस क्या हुआ कि उसकी आंख को पकड़ना, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है, देखिए यहां पर आ गया ना, सी आई टू आई, हैव वन आई ऑन ऑल आईज एंड ईयर्स। बताइए सी आई टू आई, सी की सेकेंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन, सी आई टू आई, आज्ञा लीजिए, हैव वन आई ऑन, हैव वन आई ऑन, ठीक है। और उसी तरीके से ऑल आईज एंड ईयर्स, आईटी आपको मिल गया होगा, सी आई टू आई। कभी कभी आप आंख में आंख देखते होंगे ना, अक्सर आप देखते होंगे क्रिकेट में आंख मिलाकर बातें हो जाती है ना, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे दो बैट्समैन खेल रहे हैं तो उसने उसकी आंख देख लिया, इधर वाले ने उधर की आंख देख लिया, उधर वाले ने इधर की आंख देख लिया, मतलब दोनों आंखें क्या हो गई, आपस में टकरा गई। तो आंखों आंखों में कभी बातें हो जाती है ना, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, एग्री हो जाना, मतलब सहमत हो जाना, क्लियर है। आंख में आंख मिला लेने का मतलब सहमत हो जाना। तो सी आई टू आई बिल्कुल आसान है, सी की सेकंड फॉर्म बोलेंगे सा हो जाएगा। अब यहां पर आप बोल सकते हैं जिससे आप सहमत हो उसका नाम ले सकते हैं, सी आई टू आई, आप एग्री हो जाएंगे। तो कैसे यूज करेंगे बताइए। अब जैसे मान लिया जाए, हमने कहा आई नेवर, मैं कभी भी, मैं तो आई पर ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है, आई नेवर सी आई टू आई, आई नेवर सी आई टू आई, आई टू आई, और उसके बाद किसके साथ, विथ माई ब्रादर, चलिए ब्रादर मैं ले रहा हूं, आप और कुछ ले सकते हैं, आई नेवर सी आई टू आई विथ माई ब्रादर, मतलब मैं अपने भाई के साथ कभी भी सहमत नहीं होता, मतलब कभी आंख में आंख मिली नहीं पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब बात कहां से हो पाएगी, मतलब एग्रीमेंट हो ही नहीं पाता है। तो आई नेवर सी आई टू आई विथ माई ब्रादर। अब इसी तरीके से देखेंगे ऑल आईज एंड ईयर, सारे कान सारी आंखें, जैसे मान लिया जाए मैं आपको यहां पर जैसे पढ़ा रहा हूं, तो आपका सारी मतलब दोनों कान, सारा कान का मतलब दोनों कान दोनों आंखें आपकी मेरी तरफ होंगी, तो इसका मतलब पूरा अटेंशन किसी तरफ दे देना, बहुत ही अटेंटिव रहना, मतलब बहुत ही अटेंटिव का मतलब बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, मतलब एक तरीके सुनने का सेंस तो है लेकिन देखते भी रहना सुनते भी रहना। जैसे क्लास चल रहा है तो क्लास में स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑल आईज एंड ईयर्स होता है, मतलब सारा कान और सारी आंखें टीचर पर ही रुकी होती है ना। तो यहां पर आइडिया आप ले सकते हैं ऑल आईज एंड ईयर्स, मतलब सारा आंखें एंड ईयर्स कान, तो इसका मतलब वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव का इधर लिख दे रहे हैं, वेरी अटेंटिव का मतलब बहुत ही मतलब ध्यान देना, वेरी अटेंटिव, और अटेंटिव का मतलब अटेंशन से बना है, अटेंटिव मतलब बहुत ही सतर्क होना, बहुत ध्यान देना। वो सतर्क वाले काफी वर्ड आ चुके ना, ऑर्गस आई भी आया, ईगल आई भी आया, लेकिन वहां पर आंखें बहुत तेज थी, लेकिन यहां पर कान भी, मतलब सुनना भी है देखना भी, दोनों काम करना है, मतलब पूरा अटेंशन आपका रहे, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहां पर आप यूज कैसे करेंगे, चलिए यूज कर लेते हैं इसका, आप यूज कैसे करेंगे इधर लिख दिया जाए। चलिए यहां पर एक कॉमन से एग्जाम्पल दे रहे, आ स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट जो होता है, आर होता है, क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट सिंगलर है, मार लगा रहे हैं, आ स्टूडेंट इज क्या होता है, ऑल आईज एंड ईयर्स, सारा आई और ईयर्स होता है, कहाँ होता है, इन क्लास, क्लास में, और होना भी चाहिए। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, आ स्टूडेंट इज All eyes and ears in class, या तो आप और अच्छा बना सकते हैं, तो आप यहां पर ले सकते हैं should be ले सकते हैं, और अच्छा लगेगा, एक एडवाइस की तरह हो जाएगा, should be होना चाहिए, क्या होना चाहिए, All eyes and ears, मतलब सारे eyes और ears होने चाहिए in class, class में, कहने का मतलब class में जो teacher पढ़ा रहा उसको सुने भी देखे भी, इसी वजह से दो words यहाँ पर लगाए गए, eyes भी दिया गया है, ईयर्स भी दिया गया है, कि कोई चीज को आप मिस ना करें, मतलब देखते भी रहे सुनते भी रहे। तो मैंने क्या बोला, आ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को शुड भी होना चाहिए ऑल आईज एंड ईयर्स, मतलब सारा आंख और कान होना चाहिए इन क्लास, क्लास में, मतलब टीचर जो भी पढ़ा रहा उसको ध्यान से उसको सुनना चाहिए। उसके बाद यहां पर देखिए हैव,
वंस आई ऑन, हैव रखना वंस मीन्स अपने आई मीन्स आँख को ऑन मतलब ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, निगरानी रखना, मतलब अपनी आँख को किसी चीज़ के ऊपर रखोगे तो इसका मतलब निगरानी ही रखना, तो निगरानी रखना कोई चीज़ पर देख रखना, तो निगरानी रखने का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, निगरानी रखने को क्या बोलेंगे, एक तरीके से लुक आफ्टर, देखभाल करना, निगरानी रखने का मतलब लुक आफ्टर, आप देखभाल करेंगे। जैसे मान लिया जाए मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने अपने पड़ोसी को कहा प्लीज़ हैव योर आई ऑन माय प्रॉपर्टी, आप मेरी प्रॉपर्टी पर अपनी आँख रखे रहिएगा, मतलब एक तरीके से निगरानी करते रहिएगा, कोई उसको डैमेज ना करने पाए ना। अब जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया, निगरानी रखना हिंदी में लिख लीजिएगा प्लीज हैव योर आई ऑन माई का बाइक। जैसे मान लिया जाए आपने बाइक कहीं खड़ी कर दिया, आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई आदमी है या कोई आपका दोस्त है या जानने वाला है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, प्लीज हैव योर आई ऑन माई बाइक, कृपया आप अपनी आँख को कहाँ पर रखिएगा, मेरी बाइक पर, मतलब देखते रहिएगा, इसकी देखभाल करते रहिएगा, मतलब कोई चोरी ना करने पाए, तो एक तरीके से निगरानी करना, लुक आफ्टर या टेक केयर ऑफ, आप चाहें तो टेक केयर ऑफ करना, टेक केयर ऑफ देखभाल करते रहना, ठीक है, आप ले सकते हैं टेक केयर, ठीक है, आप चाहें तो बोल सकते हैं टेक केयर, राइट। तो आपने देखा कितने अच्छे से वर्ड्स हमारा एक्सप्लेन हुआ, और आई से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, और तो कुछ नहीं बचा हुआ, इसमें सारे वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने सारे के सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो चलिए ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, बुल्स आई भी हो चुका है, ठीक है, हैव वंस, ठीक है, चलिए, तो वी डिस्कस एवरी वर्ड, हर एक वर्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया है, और डेफिनेटली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जैसे सी आई टू आई बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्न अ ब्लाइंड आई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, ऑल आईज एंड ईयर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में कभी ना कभी ये सारी बातें रिपीट होती हैं, और इसको याद करना बड़ा आसान है, तो आई होप यू वुड गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, थैंक्स अ लॉट। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।